तो नमस्कार सारे स्टूडेंट, और आज हम आए हुए हैं हमारे स्टूडेंट की शॉप है साहिल जी, और इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान ये सचेंडी में पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर अगर आप लोग इनको देखेंगे तो इस तरीके से शॉप है, और शॉप को बहुत अच्छी तरीके से सर ने पूरा मेंटेन किया हुआ है। समथिंग एक साल हो गया इस लाइन में काम करते करते, 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग लिया हुआ इनको, और आज अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग दुकान चला रहे हैं। पहले कहीं इन्होंने दूसरी जगह शॉप ओपन करी थी, लेकिन वहाँ पर कोई कारणवश इनको चेंज करना पड़ा, और अब फिलहाल मार्केट में है। अभी तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट पड़ता है, ये चारों साइड का मार्केट है। और ये शॉप है रिपेयरिंग का, पूरा काम है, सिस्टम है, ये प्रिंटर लगा है, और यहाँ पर ये कंप्यूटर है, और देखिए इस तरीके से पूरा रिपेयरिंग का सेटअप बना रखा है। ये सब पूरा रिपेयरिंग करते हैं, ये बैटरी लगा हुआ है, तो जो भी कस्टमर के मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको रिपेयरिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं वो लोग पूरा कम्प्लीट ट्रेनिंग लेते हैं, कम्प्लीट ट्रेनिंग लेने के बाद सीख कर करते हैं। तो सर आप बताइए, ताकि और भी लोग जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो सीख सकते हैं। और बिल्कुल सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है हमारे इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा सिखाया जाता है। आप सर की वजह से आज मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छी दुकान चलती है, सारा मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि वो एक बार ईटेक इंस्टीट्यूट ज़रूर जाएँ। तो हमारे पास जो भी बच्चे सीखने आते हैं पूरा कंप्लीट सीख करके जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि हम जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं जो लोकल के होते हैं या कानपुर के अंदर समथिंग 50 से 100 किलोमीटर जितना एरिया होता है, तो मैं जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं उनकी शॉप पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, और उनको गाइडेंस करता हूँ कि कैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम होता है, और आप सीख करके कैसे काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं उनको पूरा अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ, ताकि वो सीख करके बढ़िया तरीके से काम करें। और ये सर की दुकान है, सर पूरा अच्छी तरीके से पूरा फर्स्ट क्लास काम करते थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इनका बिहेवियर भी इतना अच्छा है कि कभी भी आते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टीट्यूट आते हैं, मिल करके जाते हैं, पूछते हैं, तो हमको भी लगा कि चलो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आते रहते हैं, तो क्यों ना क्यों हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम लोग भी उनके पास जाएँ और उनको सपोर्ट करें। तो आज मैंने सर के लिए एक सपोर्ट ये किया हुआ है कि सर का जो अनलॉक टूल आता है, क्योंकि सर के पास जो भी मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर के मोबाइल फ़ोन आते थे वो मार्केट से कराते थे। दूसरी बात क्या था कि इंस्टीट्यूट आकर के करा लेते थे या अपने पास में आके करा लेते थे, तो अभी नया शॉप है तो सॉफ्टवेयर लेने का थोड़ा सा फंड नहीं था, तो मैंने सर को अनलॉक टूल का आई डी पासवर्ड दिया है, ताकि अनलॉक टूल के माध्यम से आप जो भी मोबाइल फ़ोन आए उनके लॉक खोलें, और आपको मार्केट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ताकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को इतना सपोर्ट मिले कि वो जितना अच्छा से अच्छा काम कर सके, अपने लिए ग्रोथ कर सके, और इंस्टीट्यूशन भी उसको इतना सपोर्ट करें कि वो कभी भी बेरोजगार न रहे और अच्छे से काम करें। क्योंकि जो काम आप किसी और के लिए करेंगे वही काम आप अपने लिए करें, और आपको कोई प्रॉब्लम ना है, आप टूल का यूज़ करिए, टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसे जितना मोबाइल फ़ोन लॉक खोलो कभी कोई पैसा नहीं लगता, उसमें हमारा भी जो पैसा लगता है वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, हम अपने सारे स्टूडेंट के लिए सपोर्ट देते हैं। और उससे तुम्हारे पास MI है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, टेक्नो है, लावा है, कार्बन, कुछ भी मोबाइल फ़ोन, क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD, जितने भी कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, सैमसंग, यहाँ तक कि जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन जो ऑनलाइन रिपेयर होते हैं वो भी आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आप उस पर टूल का यूज करें और टूल के माध्यम से रिपेयरिंग करें। और सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप जैसे यहाँ पर रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयरिंग करने के साथ साथ जो भी सारे लोग कस्टमर्स आते हैं तो उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप जोड़ें, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें, उनको डेली वीडियो, डेली मैसेजेस या कोई भी नई नई चीज़ें आती हैं तो वो भी उनको भेजते रहें, ताकि आपके जितने भी सारे कस्टमर हैं वो आपके लिए अवेयरनेस बनी रहे और आपके बारे में उनको पता चलता रहे कि भैया सर के पास ऐसा कोई ब्लूटूथ आया है, सर के पास कोई ऐसा एंट्री आया है, कोई चार्जर आया है, या आप जो भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं सर के पास, एक बात और कहना चाहता हूँ कि सर इस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो मोबाइल फ़ोन को भी ख़रीद लेते हैं, और
ये सारे कुछ स्क्रैप में मोबाइल फ़ोन होते हैं, फ़ोन को फिर से चालू करते हैं, चालू करने पर फिर नया बनाते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे रहेगा कि मान लो जैसे हम फ्री टाइम पे होते हैं तो फ्री टाइम पे अपने जो भी मोबाइल फ़ोन को बना रहे हैं, पुराने मोबाइल फ़ोन को बना करके सेल कर रहे हैं, तो इससे क्या रहता है कि हमको उसके माध्यम से भी 400-500 रुपये की अर्निंग होती है, फ़ायदा होता है। और जो हमारा फ्री समय होता है उस फ्री समय को हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं कि जब रिपेयरिंग का काम आया तो हम लोग कस्टमर का रिपेयरिंग कर रहे हैं, जब नहीं रिपेयरिंग का काम आया तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने परचेस किए हैं तो उनको भी बनाना है ताकि उनको हम आगे अच्छे से बेच सकें। तो वीडियो में इतना ही, और आप लोग भी अगर इस तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों।